स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन इन डीएसएस यूट्यूब ऑनलाइन क्लास। दिस इज चमन सिंह एंड टुडे वी विल रीड ज्योग्राफी चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट दिस इज आवर पार्ट 4 रीडिंग वीडियो, सो लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू लर्न डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। एटमोस्फियर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमोस्फियर। नाउ द मीनिंग ऑफ एटमोस्फियर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट सराउंड्स द अर्थ और एनी अदर स्टार प्लैनेट एक्सेट्रा। इसको हिंदी में वायुमंडल कहते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल, द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू मेक समथिंग कंप्लीट, अर्थात किसी वस्तु को पूर्ण बनाने के लिए अपेक्षित या आवश्यक। And important aspects of the planet. Now the meaning of aspect is one of the qualities or parts of a situation, idea, problem. अर्थात किसी स्थिति, विचार, समस्या आदि का एक पहलू या एक नजरिया। It provides us with the air we breathe and protects us from harmful effects of the sun's rays. The atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition, temperature and other properties. The meaning of composition is the part that forms something, the way in which the parts of something are arranged. अर्थात घटक या घटकों के संयोजन की रीति। दिस लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। द मीनिंग ऑफ ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर, अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निम्नतम वायुमंडलीय परत क्षोभ मंडल। द स्ट्रेटोस्फियर, द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर, अर्थात धरती के वायुमंडलीय परत का दूसरा परत जिसे हम लोग समताप मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट द मीजोस्फियर, द मीनिंग ऑफ मीजोस्फियर इज द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर, अर्थात धरती के वायुमंडलीय परत का बीचला परत अर्थात मध्य मंडल। नेक्स्ट थर्मोस्फियर, द मीनिंग ऑफ थर्मोस्फियर इज द रीजन ऑफ द एटमोस्फियर एबव द मेजोस्फियर, अर्थात मध्यमंडल का ऊपरी वायुमंडलीय परत जिसे वायु वायुमंडल कहते हैं। एंड द लास्ट एक्सोस्फियर, द मीनिंग ऑफ एक्सोस्फियर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर, अर्थात धरती के वायुमंडलीय परत का सबसे ऊपरी परत जिसे हम बहिर्मंडल कहते हैं। द एटमोस्फियर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट इज इम्पॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाई द अर्थ। द मीनिंग ऑफ रेडिएटेड इज टू सेंड आउट लाइट और हीट, अर्थात विकिरण या प्रकाश का बिखेरना। Thereby keeping the planet warm, it is also essential for the growth of plants. The density of the atmosphere varies with height. Now the meaning of varies is different, अर्थात भिन्न भिन्न या अलग अलग। It is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up. You know
The climbers experience problems in breathing due to this decrease in the density of air. They have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes. Now, the meaning of altitude is height, arthat uchai. The temperature also decreases as we go upwards. The atmosphere exerts pressure on the earth. This varies from place to place. Some areas experience high pressure and some areas low pressure. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. So student, this is our today's reading part video. I hope you have listened properly and try to learn difficult word meanings. Okay? Stay safe, stay happy, good luck.